सतश्रीकाल, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक टू ट्रेवल जेमी। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने साथ स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, जी हाँ, ऋषिकेश। ऋषिकेश, तो चंडीगढ़ से हमारा ऋषिकेश तक का सफर बहुत अच्छा रहा, लेकिन हरिद्वार से ऋषिकेश तक हमें थोड़ा ट्रैफिक मिला जिससे हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। आप मेरे पीछे हमारे होटल के बाहर मार्केट देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं, लोकल फूड यहाँ पर है काफ़ी वैरायटी। अभी हम लंच करने के लिए बाहर जाएंगे। तो हम अभी आए हैं ऋषिकेश में अपनी पहली डेस्टिनेशन कवर करने। तो ये है वशिष्ठ गुफा का प्रवेश द्वार। यहाँ पर महान महर्षि वशिष्ठ जी ने अपनी योग तपस्या करी थी। तो आइए आपको लेकर चलते हैं। बाइक रेंट पे ले ली है, हमने ली है बाइक रेंट पे राजदेव भाई से, और बाकी मार्केट के कंपैरेटिवली हमने 3-4 जगह पता किया तो कंपैरेटिवली 800 लगभग सभी बोल रहे थे बाइक रेंटल का, और इन्होंने हमें 600 रुपये में रेंट पे। तो ये एकदम गंगा पुलिस होटल है जो लक्ष्मण झूले की तरफ रोड जाता है उसके सामने ही है। हाँ। तो बहुत अच्छा ATM भी है यहाँ पर पास में ही। Let's explore ऋषिकेश on our bike. तो हम निकल चुके हैं अब नील वाटरफॉल के लिए, और बाइक राइड्स का अपना ही मज़ा है स्कूटी राइड्स का। तो हमने 2 स्कूटीज रेंट पर ली हैं, यहाँ से लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है, नीर चढ़ने के लिए। और पर पर्सन जो है 30 रुपीज़ है। तो हम पहुँच चुके हैं नील वाटरफॉल पे, और हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है करने के लिए। थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा ट्रैक करके। तो हम अभी आए हैं प्रभात में गंगा आरती सुनने के लिए। आप देख ही सकते हैं ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध है गंगा आरती के लिए, और ये देव मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you.
की पूर्व संध्या है हुई चैत्र शुक्र प्रतिपदा के दिन, लेकिन हमारी सृष्टि कैसे हो? हम पैदा तो हो गए, पैदा होना एक बात है, जन्म लेना एक बात है, जीना बिल्कुल दूसरी बात है। हम जीते कैसे हैं? अभी हम हैं इस समय लक्ष्मण झूला पर और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा सस्पेंशन ब्रिज है तो थोड़ा थोड़ा हिल भी रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। अभी हमने जाने लगे हैं फ्रीडम कैफे कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लग गई है, दिन भर से एक्सप्लोर कर रहे हैं तो बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पर। और अंकु ने ऑलरेडी ट्राई एंड टेस्ट किया हुआ है तो हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, तो आपको हम अपना रिव्यू भी देंगे। आइए तो हम आ चुके हैं जंपिंग हाइट्स के बुकिंग ऑफिस के बाहर। ये तो पवन में ही है और अगर आपको करनी है बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स या जाइंट हिल, इनके पैकेज भी यहाँ अलग अलग कॉम्बो है, आप इनकी ऑनलाइन साइट पर भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे आके आप बुक कर सकते हैं। इन्हीं के व्हीकल के थ्रू आपको ले जाएंगे ये मोहन चट्टी जहाँ पर हो रही है बंजी जंपिंग। तो अभी हम करने लगे हैं बंजी जंपिंग, यहाँ ऑनलाइन बुक कर लिया था, अब यहाँ पर जाके फॉर्म वगैरह फिल करना होता है वो करेंगे और यहाँ से ही जाएंगे चट्टी के। हमने सोचा रिवर राफ्टिंग से पहले क्यों ना थोड़ा हाइड्रेट कर ले, तो फिर हमने लिए है यहाँ से गन्ने का रस और इसको पीते हुए हम चल रहे हैं। हमने यहाँ पे बुकिंग कराई है द गंगा एडवेंचर से, ये चाय सुट्टा पार्क के लगभग सामने ही है, तो आप लोग यहाँ से अच्छी डील में बुक करवा सकते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। बाकी जगहों पर भी हमने पूछा था तो 800 कॉस्ट था कुछ, बट यहाँ पर इन्होंने हमें 650 कर दिया है अलाउड पर पर्सन। सो वी आर ऑल सेट फॉर द रिवर राफ्टिंग एंड वी विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स अबाउट रिवर राफ्टिंग ड्यूरिंग आवर ब्लॉग। अभी हम नीचे जा रहे हैं, रिवर राफ्टिंग स्टार्ट होगी, अभी हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया है शिवपुरी में और शिवपुरी से लक्ष्मण झूला तक का ये हमारा राइड है 16 किलोमीटर का। बता ही दिया था मैंने आपको कितना रुपीज़ प्राइस पड़ा था इसका और 60 रुपीज़ और इन्होंने यहाँ कर लिए, आई गेस वो टोल प्राइस और समथिंग था। तो सी यू देयर। गंगा मैया किए पास करो फास्ट।
फास्ट मारो, हार्ड मारो भैया। फॉरवर्ड 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 कंटिन्यू। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फास्ट करो फास्ट। जान लगाओ एक साथ। अंदाजा था कब कहाँ रैपिड आएगी तो कितना दम कहाँ पे लगाना है, बट और बहुत अच्छे से गाइड बहुत अच्छे हैं हमारे तो गाइड भी अच्छे से बहुत अच्छे गाइड हैं, अच्छे से गाइड किया, फोटो वीडियोग्राफी अब हम बस लेने लगे हैं इनसे और बहुत 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 मज़ा आया सच में। अभी हम आ चुके हैं बीटल्स आश्रम में, कि बाहर जो है लिखा हुआ है 84 कुटिया राजा जी टाइगर रिजर्व। तो बीटल्स बैंड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो वो जो बैंड है एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन बैंड है और उन्होंने अपना बैंड फॉर्म करने से पहले यहाँ पर मेडिटेशन की थी, यहाँ 84 कुटिया में उन्होंने अपनी मेडिटेशन की थी। तो उनके बैंड फॉर्म होने के बाद जब लोगों को पता चला कि अच्छा उन्होंने यहाँ पर की है तो लोगों का आना जाना यहाँ पर ज़्यादा स्टार्ट हुआ और ये बीटल्स आश्रम के नाम से फेमस हो गया। तो अभी हम हैं यहाँ पर 84 कुटिया में राजा जी टाइगर रिजर्व में, जैसा आपको बताया। अभी हम जा रहे हैं फोटो गैलरी देखने और साथ में कुछ खाने पीने, बहुत ही सुंदर है ये, आप पीछे देख सकते हैं रास्ता बहुत प्यारा है, लोग वॉक कर रहे हैं। तो हमने अभी अभी डिस्कवर किया, देखा ये पहचाना जब हम अंदर देख रहे थे गुफा के, तो ये जो कुटिया है इसके अंदर वो लोग रहते थे, मतलब सिर्फ मेडिटेशन ही करते थे, रहते भी थे। यहाँ देखो वॉशरूम है, ये रूम है, देन इट्स अ ड्यूप्लेक्स इनफैक्ट। अभी स्टेयर से जाएंगे, ये देखिए ऊपर खिड़की भी है, विंडो भी है। पीछे बिल्डिंग है अभी जो खंडर हो चुकी है, आई रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट टू रेनोवेट दिस प्लेस, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ दिस प्लेस। यहाँ पे बीटल्स स्टे करते थे, उनका बैंड बीटल्स बंगलो के नाम से प्रसिद्ध है। चौरासी कुटिया जो कि 84 केव्स आप बोल सकते हैं, 84 केव्स। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, टेंपल है क्या?
टेम्पल ने डोम से बने होंगे आई थिंक। ये देखो ये है जी 84 कुटिया, ये है जी मेडिटेशन रूम। और ये गंगा है, इधर बीटल्स आश्रम है, ब्यूटीफुल व्यू, मेडिटेशन के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट। तो कल हमने आपको आरती दिखाई थी परमार्थ स्थल की, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आरती त्रिवेणी घाट पर। तो वहाँ का भी अलग हमने आनंद महसूस किया था, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, अगर मैं यहाँ का आनंद दिखाई। गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ।